फाइनली दोस्तों लगभग 450 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट एक्शन ड्रामा फिल्म आरआरआर का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए आज इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के तीसरे गाने जननी को लेकर एक बड़ी अपडेट दे दी है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का एक इमोशनल और बेहतरीन पोस्टर भी रिवील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि इंडियन सिनेमा के विजनरी डायरेक्टर एसएस राजामौली, जो कि इससे पहले मक्खी, मगधीरा और बाहुबली जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं, उनके डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों फिल्म RRR इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगले साल 7 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसके दो गाने ऑलरेडी ऑडियंस को काफी पसंद आ चुके हैं और इस फिल्म का टीजर भी ऑडियंस को काफी पसंद आया था। अब दोस्तों फाइनली इस फिल्म का तीसरा गाना जननी आपको 26 नवंबर को देखने को मिलने वाला है, जिसकी आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। दोस्तों ये एक सोलफुल सॉन्ग होगा जिसमें आपको यंग टाइगर, NTR, मेगा पावर स्टार रामचरण और मास महाराजा अजय देवगन सर तीनों ही एक फ्रेम में नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो भी काफी बेहतरीन और इमोशनल होने वाला है। बताते चले दोस्तों आपको कि RRR एक विजुअली ट्रीट होने वाली है, जो कि विजुअल्स के मामले में इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन सकती है। एक्शन भी इस फिल्म में जबरदस्त होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बेहतरीन है। यही वजह है दोस्तों कि RRR इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2021-22 की सबसे मच अवेटेड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर नए नए इतिहास रच सकती है। दोस्तों इस फिल्म का गाना 26 तारीख को रिलीज किया जाएगा, जिसे हिंदी सिंगर को लेकर कल या परसों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। आज दोस्तों इस फिल्म का जो बेहतरीन पोस्टर रिवील किया गया, जिसमें आपको अजय देवगन, NTR और रामचरण एक साथ नजर आ रहे हैं। तीनों के ही लुक्स दोस्तों इस पोस्टर में इमोशनल और सैड नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों RRR का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का कलेक्शन कितना होगा? 150 करोड़, 200 करोड़ या फिर 250 करोड़ का? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।